गुड आफ्टरनून बच्चों, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके बेटा, ठीक है। तो आई एम बैक आफ्टर सम टाइम ऑफ डिजीज। अब मैं काफी कुछ रिकवर हो गया हूँ, बट फिर भी 100% वापस आने में थोड़ा सा समय लगता है। यस, आई एम ओके, पहले से अच्छा हूँ बेटा। और मनीष सर ने अभी आपको एक चैप्टर खत्म करा दिया। अब मैं आगे की केमिस्ट्री आपसे बात करता हूँ, है ना बेटा? तो हम जो है आज से नया चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेट मी सी रिकॉर्डिंग ऑन है क्या। यस, इट इज ऑन। ओके, चलो बेटा, तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, तो सबसे पहले बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में वी शुड रीड थ्योरी ऑफ जॉन डेल्टन। आप लोगों ने पढ़ी होगी ये थ्योरी, जॉन डेल्टन की। जॉन डेल्टन ने एक थ्योरी दी एटम को लेकर के, जो भी एक्सपेरिमेंट उसने किए उसको लेकर के जो उसने थ्योरी दी जॉन डेल्टन ने, वो थ्योरी क्या थी? उस थ्योरी ने उसने बोला कि एटम जो होता है, एटम इज मोस्ट बेसिक फंडामेंटल यूनिट। मतलब एटम सबसे छोटी यूनिट होता है, एटम से छोटा कुछ नहीं होता है। सबसे छोटा जो होता है वो कौन होता है? एटम होता है, ठीक है ना? एटम इज इनडिविजिबल। एटम जो होता है इज इनडिविजिबल, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब जब बोल दिया कि एटम सबसे छोटा होता है, तो इसका मतलब हो गया कि वही सबसे छोटा है, उससे छोटा कुछ और नहीं है, मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। तो इट इज इनडिविजिबल। अब और बोला एटम इज स्ट्रक्चरलेस, एटम इज स्ट्रक्चरलेस। जैसे कि आज हम जानते हैं कि एटम में एक स्ट्रक्चर होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा? लेकिन जॉन डेल्टन ने क्या बोला? जॉन डेल्टन ने बोला एटम स्ट्रक्चरलेस होता है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। आई सपोज दैट सबको बात यहां तक समझ में आ गई होगी। इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। एटम इज इनडिस्ट्रक्टेबल। और ये भी उसने कहा कि ऑल एटम्स इन ए एलिमेंट इन आ एलिमेंट आर ऑफ सेम टाइप, एक ही टाइप के एटम होते हैं। अब आप सबको लग रहा होगा ये तो गलत बात है, क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं। बोलो बेटा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बात? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना कि एटम्स के तो आइसोटोप्स होते हैं। अब क्या हुआ कि ऑल एटम्स इन आ एलिमेंट आर ऑफ सेम टाइप, बट आज हमको पता है कि ये बात गलत थी। आज हमको पता है ये बात गलत थी, लेकिन जॉन डेल्टन ने ऐसा नहीं बोला। जॉन डेल्टन ने बोला सारे एटम एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा? अब किसी बच्चे ने बीच में पूछा कि उसने ऐसा किस आधार पे बोला, कौन सा आधार था जिस आधार पे उसने ऐसा बोला। मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आप इस बात को नोट कर लो। अच्छा, नोट्स तो क्लास में ही बनाते चले ना, अलग से कोई पीडीएफ देने की जरूरत तो नहीं है नोट्स के लिए, क्योंकि वो जो पीडीएफ होगी वो ओरिजिनल नोट्स नहीं होंगे, है ना? तो यही चलेगा ना नोट्स। अब आज हम जो है वो अपना ग्रुप कंप्लीट कर लेंगे। मेरी समझ में आपका एक केमिस्ट्री का ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, जहां तक मेरा ख्याल है बना हुआ है बेटा। आप लोगों का केमिस्ट्री का एक ग्रुप, डाउट ग्रुप बना होगा, डाउट ग्रुप बना हुआ है। आज मैं उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाऊंगा और उसके बाद में आप लोगों को मैं अपना नंबर दे दूंगा। मेरा नंबर है 9827258।
47292। जो जो ग्रुप का पार्ट नहीं है वो बच्चा इस ग्रुप का पार्ट बन जाएगा। मेरे को मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप पे जोड़ दूंगा। ठीक है बेटा, अब आप रुक जाओ बेटा रागनी, मैं बता रहा हूँ आंसर। बच्चे पहले आप ये नंबर नोट कर लो, 9827247292। बीपीएस सर लिख लें आप वहां पे। जो जो बच्चा केमिस्ट्री डाउट ग्रुप में नहीं है वो बच्चा मेरे को मैसेज करना, तो मैं आपको उस डाउट ग्रुप पे जोड़ दूंगा। ठीक है बेटा, चलो अब ये तो मैं मिटा देता हूँ नंबर यहां से, ये आपने नोट कर लिया होगा जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है ना, अब सोचो उसने बोला एलिमेंट ऑल एटम आर ऑफ सेम टाइप, बट आज हम जानते हैं कि इसका एक्सेप्शन है, लेकिन जॉन डेल्टन ने ऐसा नहीं बोला था। रागनी समझ में आया बेटा? उसने बोला किसी एलिमेंट में, जैसे कार्बन एलिमेंट है, तो जॉन डेल्टन ने क्या बोला कि कार्बन एलिमेंट में तो कई एटम होते हैं बेटा, तो जितने भी एटम होते हैं सब एक ही प्रकार के होते हैं, जितने भी एटम होते हैं सब एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, चलो। हाँ अब तो नहीं आ रही है ब्राइटनेस, ज्यादा कम हो गई। ठीक है, अब सुनो, इधर उधर की बातें करना बंद करो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो तो चौथा पॉइंट सबको क्लियर है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये चार पॉइंट हो गए, आप लोग फटाफट ये चार पॉइंट बेटा नोट कर लो। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? ऑल एटम्स इन अ एलिमेंट आर ऑफ सेम टाइप। ठीक है, एक एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं सब एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो कार्बन एलिमेंट है तो उसके सारे एटम एक ही प्रकार के होंगे। आज हमको पता है ये बात गलत है, क्योंकि उसमें अच्छा फोर्थ पॉइंट, ऑल एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल, एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। वो सबसे छोटे थे ना बेटा, क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, एटम आर इनडिविजिबल, वही बात है बेटा, जो ये हुआ वही ये हुआ। ठीक है ना, इनडिविजिबल मतलब डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो सबसे छोटा है उसको डिवाइड कैसे कर सकते हो। ठीक है ना, चलो अब बहुत हुआ, मैंने सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और जब मैं पढ़ाता हूँ उसी समय एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग प्लीज ध्यान से उसी समय सुन लिया करो, है ना। बार बार एक ही पॉइंट को रिपीट नहीं करेंगे हम, बहुत ही सिंपल सरल अभी तक चल रहा है। तो पांच पॉइंट अभी तक हो गए बेटा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, ये बात भी सोचने की कोशिश करते हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछे उसमें से एक जेन्युइन क्वेश्चन था एक बच्चे का, जिसने पूछा था उसने ऐसा किस आधार पर बोला सर, है ना, उसने ऐसा क्या किया जिसलिए उसने ये बातें कही। ठीक है ना, तो मैं आपको बताता हूं। अभी अभी आप लोगों ने चैप्टर मोल कंसेप्ट पढ़ा है, और मोल कंसेप्ट चैप्टर में आपने कुछ लॉ पढ़े होंगे, जैसे एक लॉ आपने पढ़ा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना बेटा? क्या याद है सभी बच्चों को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या था बेटा? याद है, शाबाश। देखो जॉन डेल्टन ने क्या किया, उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे। जैसे मान लो उसने कार्बन की रिएक्शन O2 के साथ करी, ठीक है ना, ये मैं अपने मन से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे लेड का एग्जाम्पल लिया था उन्होंने तो, लेकिन उसका एटॉमिक मास और फिर कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो हमको वो ज्यादा जरूरत नहीं है उसकी, मतलब कि एग्जैक्ट एग्जांपल लें, वो आपके लिए हिस्ट्री कोई काम की नहीं होती है। प्लीज ध्यान से सुनो, मेरा वॉइस थोड़ा लो ही आएगा रिलेटिवली, जैसा नॉर्मली आता है, आपको पता है, जिन लोगों ने भी ईश्वर ना करे कोविड को फेस किया है वो लोग उस बात को समझते हैं, पर कंसेप्ट बहुत क्लियर चलेगा, इसलिए आप मुझे बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनो। कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2 मान लो, है ना बेटा, और यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO भी बनाता है, और यही कार्बन O2 के साथ रिएक्ट करके C3O2 भी बनाता है। ठीक है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब भी दो एलिमेंट आपस में मिलकर के कोई
अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, आपस में मिलके अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट के वेट को यदि फिक्स कर दिया जाए तो जो दूसरे एलिमेंट का वेट लगता है अलग अलग कंपाउंड में, वो आपस में एक दूसरे का एक सिंपल रेशियो होता है। जैसे यहाँ कार्बन 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 है, तो इस एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन लगा, यदि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन लगा। दिस इज वेट ऑफ कार्बन, दिस इज वेट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर कितना कितना लगा, चलो तुम लोग बताना चालू करो। यहाँ पर कितना कितना लगा, 12 16, बहुत बढ़िया, 12 16। और यहाँ पर कितना कितना लगा, 36 32। करेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अब एक किसी के वेट को फिक्स कर देते हैं, चलो एक किसी के वेट को फिक्स कर देते हैं, मान लो इसके वेट को फिक्स कर दें, क्योंकि इसको आसान लग रहा है, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन का वेट हो गया 32 32 32, तो फिक्स हो गया। तो कार्बन का वेट जो अलग अलग कंपाउंड में लगा वो लगा 12:24:36, विच इज अ सिंपल रेशियो। ऐसा क्यों हुआ होगा, जॉन डेल्टन ने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या बात पता लगाई, उन्होंने कहा क्योंकि या तो एक ऑक्सीजन कंबाइन हुआ होगा, या दो कंबाइन हुए होंगे, या तीन कंबाइन हुए होंगे, आधा ऑक्सीजन तो कंबाइन कर नहीं सकता, और जो ऑक्सीजन कंबाइन हुआ वो भी एक ही प्रकार का तो था, इसलिए मास का जो रेशियो है वो एक सिंपल रेशियो है। क्या सबको बात चमकी कि नहीं चमकी, यदि एक ऑक्सीजन का वेट मान लो 16 ग्राम होता और दूसरे ऑक्सीजन का वेट 17 होता और तीसरे ऑक्सीजन का वेट 18 ग्राम होता, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सिंपल रेशियो आता, ये सिंपल रेशियो कभी नहीं आता। यदि मान लो ये वाला ऑक्सीजन 16 वाला होता, ये वाला 17 वाला होता, ये वाला 18 वाला होता, तो यहाँ 34 आता, यहाँ 32 आता, और यहाँ पर 18 × 36 36 वाला आता, तो ये एक सिंपल रेशियो नहीं आता, कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती। बोलो चमका कि नहीं चमका, जल्दी से सारे बच्चे बोल के बताओ बेटा, चमका कि नहीं चमका। यदि एक ही टाइप का एटम नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल था, तो ये तो पॉसिबल नहीं था। जॉन डेल्टन ने जब ये काम किया तो उसने ये देखा कि सिंपल रेशियो आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ या तो एक एटम कंबाइन हुआ, या तो दो एटम कंबाइन हुआ, या तो तीन एटम कंबाइन हुआ, मतलब एटम एक ही प्रकार के होते हैं, एलिमेंट में एटम एक ही प्रकार के होते हैं। अब आप बोलोगे सर जी हमने तो आइसोटोप पढ़ा है तो फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए थी, तो इसमें फ्रैक्शन वैल्यू आई क्यों नहीं, जब प्रैक्टिकली करके देखा तो क्यों नहीं आई, जबकि हमको पता है आइसोटोप होते हैं। तो आपको ये भी पता है कि एक आइसोटोप जो होता है वही एग्जिस्ट करता है 99% 98%, दूसरा आइसोटोप जो है वो पॉइंट कुछ परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है, उसकी स्टेबिलिटी कचरा होती है। क्या सबको बात क्लियर है बेटा, तो जो चीज बहुत कम एग्जिस्ट कर रही है एक्सपेरिमेंटली भी बहुत कम मिलती, जो चीज कम मिल रही है वो एक्सपेरिमेंटली भी बहुत कम मिलती, एंड देयरफॉर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बात नहीं पाई। ठीक है, तो क्या सबको बात क्लियर हो गई। एक बच्चे का सवाल था कि जॉन डेल्टन ने ये कंक्लूड कैसे किया, तो आई होप सो मैं अपनी बात आपको समझा पाया कि जॉन डेल्टन ने ये कंक्लूड कैसे किया, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, मनीष सर ने भी आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ा दिया होगा। ठीक है बेटा, तो आपको सबको क्लियर है बेटा, क्लियर है सबको, डनाडन डन डनाडन, नोटेड डाउन। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि जॉन, समझ रहे हो आप मेरी बात को, हमने मान लो इतना लिख लिया यहां तक, तो हम ये बात लिखेंगे कि यदि एटम अलग अलग प्रकार के होते तो रेशो सिंपल नहीं आता। इफ एटम्स वर ऑफ डिफरेंट काइंड रेशो ऑफ वेट ऑफ एलिमेंट कंबाइंड वुड नॉट बी अ सिंपल रेशियो, वो सिंपल रेशियो कभी भी नहीं हो सकता था। ठीक है बेटा, नोटेड डाउन। खुशी, इस लॉ का नाम बेटा पूछ रहे हो आप, तो इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, प्रोपोर्शन की स्पेलिंग शायद कचरा हो गई, लेट मी चेक द स्पेलिंग ऑफ दिस प्रोपोर्शन।
PROPOR, हाँ एक आर नहीं लगा यहाँ पे, आर TION proportion, प्लीज डू नोट डाउन, ठीक। उसके बाद और मैं आपको जॉन डेल्टन पढ़ाता हूँ, इसको नोट कर लें प्लीज, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आप लोगों की पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही होगी, घर में सब मामला अच्छा होगा, सब लोग स्वस्थ होंगे। हाँ बेटा मेरी तबीयत पहले से ठीक है बेटा, बट इट विल टेक सम टाइम टू फुली रिकवर, बस 2-3 महीने का टाइम लग जाता है लोगों को करोना में, ऐसा होता है, काफी कमजोरी आ जाती है एक्चुअली, बट इट्स ओके, क्लास तो मैं लूंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना बेटा। चलो आज ही एलएन ने, मैंने देखा है आज मैंने एक स्टेटस भी लगाया है, लेकिन आप लोगों के पास मेरा नंबर नहीं था तो आपने स्टेटस नहीं देख पाया होगा, जिसमें यह है कि यदि अनफॉर्चुनेटली आपके पहचान में कहीं पे यदि कोई बच्चा जिसके कमाने वाले पेरेंट इस महामारी में उनका नुकसान हो गया हो, तो एलन उन सभी को फ्री में पढ़ाएगा, तो यदि आपके पहचान में इधर उधर कोई ऐसा जरूरतमंद हो तो आप उसको ये बात इन्फॉर्म कर सकते हो, वो मुझे मैसेज करेगा, मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट बेटा। और ठीक है, तो जिसको भी इस टाइप की कोई जरूरत होती है या कहीं पर भी वो चीज होती है, आप मुझे मैसेज करें, मैं उसको ऊपर फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे बच्चों कि जॉन डेल्टन ने क्या किया, तो जॉन डेल्टन ने जो जो बातें कही वो सब बातें मैंने आपको अभी अभी बताई कि एटम इंडिविजुअल होता है, एटम सबसे छोटा होता है, स्ट्रक्चर लेस होता है, एटम कैनॉट बी क्रिएटेड और कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये 6 पॉइंट हो जाएगा। एटम कैनॉट बी क्रिएटेड nor it can be destroyed, ना ही एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, nor it can be destroyed, ना तो एटम को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद यदि बात करें तो एटम कंबाइन इन सिंपल रेशियो, एटम कंबाइन इन सिंपल रेशियो, ये बात अभी अभी मैं आपको समझा चुका हूँ भाई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सिंपल रेशियो में एटम कंबाइन करते हैं, मतलब जैसे कि नाइट्रोजन है वो या तो O2 के साथ कंबाइन होकर के N2O बनाए या N2 O2 के साथ कंबाइन होकर के NO बनाया या N2 O2 के साथ कंबाइन होकर के NO2 बनाया और या N2 O2 के साथ कंबाइन होकर के पहले अपन N2O3 बना देते हैं, फिर NO2 बना देंगे और फिर N2O5 बना देंगे। बैलेंसिंग करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सिंपल गणित है, कोई भी कर सकता है इसको, है ना बेटा। और ये हो गया N2 और ये हो जाएगा 3/2 O2, करेक्ट है। तो सिंपल रेशियो में कंबाइन करता है। यदि देखा जाए तो यहाँ पर मान लो मैं नाइट्रोजन फिक्स कर दूं, तो इधर 28 ग्राम, इधर 14 ग्राम, इधर 28 ग्राम, इधर फिर 14 ग्राम और यहाँ पर 28 ग्राम, और यहाँ पर ऑक्सीजन देखा जाए तो 16, 16, 36 48, 80, करेक्ट है बेटा। तो आप यदि इसके वेट को फिक्स कर दो और इसके वेट को लगा करके यहाँ 28 या 28 कर दो, तो दिस बिकम्स इनटू 2 करके ये कितना हो जाएगा, मेरे पास जगह यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इनटू 2, तो वो हो जाएगा 56, मुझे सॉरी 28:16
सेकंड वाले में हो जाएगा 28:32, 28:36 एंड 28:96 एंड 32 होगा, सो 28:64 एंड दिस इज 28:80। यू कैन सी हियर कि यदि मैं देखूं तो ये क्या बोल रहा है, एटम कंबाइन इन सिंपल रेशियो, एटम सिंपल रेशियो में कंबाइन करता है। यदि यहाँ एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन हुआ तो यहाँ दो हुए, तो यहाँ तीन हुए, तो यहाँ चार हुए, तो यहाँ पांच हुए। सो एटम कंबाइन इन सिंपल रेशियो। क्या मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पाया बेटा? क्या सभी को ये बात समझ में आ गई? पहले भी मैंने यही बात समझाई थी, वापस से भी यही बात समझाइए, ठीक है? एटम कंबाइन इन सिंपल रेशियो। रेशियो सिंपल रेशियो का मतलब क्या, 1:2:3:4:5, ये हुआ सिंपल रेशियो। अब आप देखें एटम कंबाइन इन सिंपल रेशियो एग्जांपल में हमको दिखाई दे रहा है कि यदि 16 है, 16 AMU मास है, तो इसका मतलब ये हुआ एक ऑक्सीजन का एटम है बेटा। अभी अभी आपने चैप्टर मोल कंसेप्ट पढ़ा है, तो ये एक, ये दो, ये अच्छा, ये कचरा हो गया, ये यहाँ मैंने कुछ कचरा किया है, लेट मी चेक दैट क्या कचरा किया। दिस इज 48, दिस इज ऑल्सो 48, करेक्ट बेटा? ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। 16 AMU जो मास होता है एक ऑक्सीजन एटम का होता है। बोलो बेटा सबको बात चमक गई है कि नहीं? चलोगे जल्दी बोलो, आना करना पड़ेगा, पूरी क्लास को करना पड़ेगा और बहुत सारे बच्चों को बोलना पड़ेगा, तभी मास्टर का कॉन्फिडेंस वापस आएगा। उसकी एनर्जी आपके आना पे डिपेंड करती है, उसकी एनर्जी ऑलरेडी कम है, बढ़ाना आपका काम, ठीक है बेटा? ओके चलो, वेरी क्लियर बेटा, ठीक है। आप प्लीज इसको नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको अगला पॉइंट पढ़ाता हूं, जल्दी से नोट कर लें प्लीज। ओके बच्चों, डन। चलो अब आप में से कोई एक बच्चा जिसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो, यदि पीडीएफ बना देगा तो हम उसको बहुत धन्यवाद बोलेंगे, और डेफिनेटली उसके नोट सभी बच्चों के पास होंगे। यदि वैसे तो इतनी बड़ी क्लास है, मुझे लगता है कम से कम 5-6 बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी होगी, तो 5-6 नहीं बल्कि 10-12-15 की होगी। यदि कोई पीडीएफ इसकी बना देगा नोट्स की, मतलब आप अपने ही नोट्स की यदि अच्छी सुंदर सी पीडीएफ बना के दे देंगे, तो हम ग्रुप पे वही डाल देंगे आपको थैंक यू करते हुए, ठीक है? शायद उसमें 5-6 मिनट लगेंगे बनाने में, और हम ये भी कर सकते हैं यदि कोई बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है और उसको खुद को पीडीएफ बनाना नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आप क्या करें, सिर्फ उसका नोट्स का बोलो क्या नाम है उसका फोटो लेकर के ग्रुप पे डाल देना, कोई और पीडीएफ बना देगा, ठीक है ना बेटा? ऐसा कर लेंगे मिलजुल के। देखो नोट्स में और स्क्रीनशॉट में क्या अंतर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। नोट्स जो होते हैं बेटा उसमें स्टोरी भी लिखी होती है कई बार, स्क्रीनशॉट में स्टोरी कम लिखी होती है रिलेटिवली। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ लिख दूं, ठीक है ना? चलो तो यहां तक सबको बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। एटम के बारे में इतनी बातें जो है मैंने अभी अभी नंबर दिया था आप लोग को, अब लास्ट में फिर से दे दूंगा, है ना? तो इतनी बातें कही गई है ना बेटा। इसके अलावा यदि कोई पूछे तो आप ये भी बता सकते हो कि जॉन डेल्टन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बताया, क्योंकि डेफिनेट सी बात है जब वो बोल रहा था एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करता है, डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करता है वगैरह वगैरह, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी वो बता देता। क्यों? क्योंकि जब वो बोल रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। बोलो हाउ तो मास कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ? देयरफोर जॉन डेल्टन ऑल्सो गेव नॉलेज ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा, इतना काफी है जॉन डेल्टन की थ्योरी को पढ़ने के लिए, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये लास्ट स्क्रीनशॉट है जॉन डेल्टन की थ्योरी का। अब मैं आपको डिस्कवरी ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज पढ़ाता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो। अच्छा चलो एक बात और भी लिख देता हूं मैं आपको, है ना, जैसे कि एटम कंबाइन इन सिंपल रेशो। नहीं, हो गया पॉइंट, हो गया, सारे पॉइंट हो गए, कोई पॉइंट मैंने छोड़ा ही नहीं है, सारे पॉइंट हो गए। ठीक है बेटा, चलो, क्योंकि जगह बची हुई थी तो मैं सोच रहा था कुछ मिल जाए और लिखने के लिए, तो लेकिन है नहीं कुछ, सब कुछ हो गया। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे और ज्ञान की बातें करेंगे। अब आप लिखें डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। सुना है क्या कभी तुम लोगों ने कैथोड रेस के बारे में? सुना होगा तो अच्छा है, नहीं सुना होगा तो भी कोई बात नहीं, पर सुना हो तो और भी अच्छा। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जूलियस प्लकर। ऐसे कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, कोई जूलियस प्लकर अकेले नहीं है, बुक्स में इनका नाम लिखा हुआ है। ऑल्दो ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए आपको यदि याद ना भी हो ये नाम तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जूलियस प्लकर क्या कर रहे थे, वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसेस चेक कर रहे थे। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन देख रहे थे वो गैसेस के द्वारा कैसे होता है। तो जूलियस प्लकर वाज इज स्टडिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसेस एट लो प्रेशर। He was studying conduction of electricity through gases. Conduction of electricity, he was studying the conduction of electricity through gases at low pressure. एट लो प्रेशर। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप मुझे बताना बेटा, गैसेस आर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, कौन बताएगा बच्चा? गैसेस अच्छे कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर? वेरी नाइस, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, यदि मैं यहाँ पर एक बिजली का तार लेकर के खड़ा हो जाऊं, है ना, जो कि कवर्ड है और उसको बाहर से मैंने छीला हुआ है, लेकिन मैं सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ उसको पकड़ के खड़ा हुआ हूँ, ठीक, और आप थोड़ी दूर पे खड़े हुए। यदि उस तार को मैं सर्किट से कनेक्ट कर दूं, तो क्या आपको दूर आप खड़े आपको करंट लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। ऐसा होता बेटा तो अपन किसी को भी निपटा देते, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये यदि सही होता तो अपन किसी को भी निपटा देते, किसी के पास भी ले जाके वायर लेकर के यूं चुपके से खड़े हो जाते, उसको करंट लग जाता, है कि नहीं बेटा? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। गैसेज आर बैड कंडक्टर, वी नो दिस। ठीक, तो इसलिए उसने लो प्रेशर क्रिएट किया, क्योंकि किसी बच्चे के दिमाग में हो सकता है लो प्रेशर क्यों किया, इसलिए लो प्रेशर किया, करेक्ट है। पर लो प्रेशर करने के लिए क्या करना पड़ा? इधर एक वैक्यूम पंप लगाया, और जो गैस का प्रेशर था
reduce up to 10 की पावर माइनस फोर एम एम ऑफ एच जी। ठीक है बेटा, यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, करेक्ट बेटा। इसको ले जा करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। ठीक है बेटा, इसका नाम रखा गया कैथोड और इसका नाम रखा गया एनोड और यहां पर गैसेस भरी हुई थी। ठीक है, ये एक बैटरी है। बैटरी का काम क्या होता है, वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इधर से इलेक्ट्रॉन भेजेगी, इधर तक भेज देगी और यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगी इधर तक। बैटरी का जो पोटेंशियल था वो लगभग 10,000 वोल्ट के करीब लगाया गया। पोटेंशियल बैटरी का क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ोगे, मैं आपको यूं ही बता देता हूं। पोटेंशियल का मतलब है एक ताकत। तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन को मूव करने की जो ताकत है वो उसका पोटेंशियल बोल सकते हैं अपन। मैं सरल शब्दों में आपसे बोल रहा हूँ, फिजिक्स वाले आपको थोड़ा टेक्निकल बताएंगे। क्या सब लोग कंफर्टेबल है यहाँ तक? डायग्राम सबको क्लियर है? एक यूट्यूब बनी हुई है ग्लास की, एक YouTube बनी हुई है ग्लास की, करेक्ट बेटा। और एनोड है और कैथोड है। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, we'll come on that. They are two electrodes. कैथोड is connected by negative terminal of the battery. Negative terminal of battery electrons को सप्लाई करके इधर ला देगा। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा बेटा, ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और यहां से बैटरी पकड़ के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगी। तो यहां पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या सब बच्चे यहां तक कंफर्टेबल है बेटा? क्या सब बच्चे यहां तक कंफर्टेबल है? क्लियर है बेटा? वैक्यूम पंप लगाना मतलब हवा को बाहर खींचा होगा बेटा। तो जब वैक्यूम पंप लगाया तो एयर बाहर ड्रॉ हो गई, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, अच्छा अब सुनना बात को ध्यान से, अभी तक लिटरेचर चालू नहीं हुआ है, अब चालू करता हूं। 10,000 वोल्ट की बैटरी लगी थी, क्या होता कि वो तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने नोट ये किया कि इस एरिया में एक ग्रीनिश ग्लो दे रहा है दिखाई। कैसा ग्लो दे रहा है दिखाई? इस एरिया में एक ग्रीनिश ग्लो दे रहा है दिखाई, ग्रीन कलर का ग्लो दिखाई दे रहा है। क्या आप लोगों को मेरी बात सुनाई दे रही है? इस एरिया में एक ग्रीन कलर का ग्लो दे रहा है दिखाई। उन्होंने सोचा यार ये ग्रीन कलर का ग्लो क्यों दे रहा है दिखाई, इसका क्या कारण हो सकता है, ये ग्रीन ग्लो क्यों आ रहा है? तो दे नोटेड कि देयर आर अ काइंड ऑफ रेज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। देयर आर अ काइंड ऑफ रेज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम एनोड फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। कैथोड से आ रही है एनोड की तरफ और वो रेस शायद यहाँ पे स्ट्राइक करती है जिसकी वजह से ये ग्लो हमको दे रहा है दिखाई। ठीक है बेटा, क्या सब लोगों को प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है? जल्दी से मुझे बता दो बेटा, क्या सब लोगों को प्रॉपर दिखाई और सुनाई दे रहा है? देखो बेटा, अभी तक मेरे पास जो फीडबैक आया है 30 से 40 बच्चों ने बोला है कि प्रॉपर दे रहा है दिखाई, है ना? तो जिसको नहीं दे रहा है वो प्लीज एक बार मीटिंग से बाहर जाओ फिर अंदर आओ तो आपको प्रॉपर दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब एक्सपेरिमेंट चालू होता है, प्लीज जाग जाओ। जो लोग सो रहे हैं प्लीज जाग जाओ, एक्सपेरिमेंट चालू होता है। आप एक्सपेरिमेंट में डूब जाओ और ये सोचो कि आप खुद इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो। साइंस को सीखने का यही तरीका है, साइंस में डूब जाना है, उसको एंजॉय करना है। ठीक, तो चलो भाई, कौन कौन इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहता है बेटा? ओके, खुशी करना चाहती है, रिशिता करना चाहती है, श्रेया करना चाहती है, हिमांश करना चाहता है, बहुत सारे बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं, इतने सारे नाम में नहीं ले पाया है ना। तो चलो सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट को मिलके करते हैं बेटा, है ना। हम एक यूट्यूब जुगाड़ लाएंगे कहीं से जो कि ग्लास की ट्यूब होगी, एक बैटरी ले आएंगे जो कि 10,000 वोल्ट की होगी बच्चों, और एक एनोड लगा एक कैथोड लगा देंगे और एक एनोड लगा देंगे और इस टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे और हम एक जादू देखने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। इधर वैक्यूम पंप लगाया है, उससे एयर को बाहर निकाल दिया है, प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम 10 की पावर माइनस 4 mmHg का आ गया है।
एकदम क्या देखते हैं, एकदम खुशी को क्या दिखता है, खुशी देखती है कि एकदम यहाँ पर ग्रीन ग्लो दे रहा है दिखाई, तो ये देख करके उसको आश्चर्य होता है और वो सोचती है ग्रीन ग्लो क्यों आ गया, मतलब ऐसा क्या कारण है कि ग्रीन ग्लो आया। तो ये कंक्लूड किया जाता है कि देयर आर काइंड ऑफ रेस विच आर फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड, विच आर फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड एंड वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेस। अब क्या हमारे दिमाग में ये बात आएगी ना कि बेटा जब वैक्यूम पंप लगाएंगे तो लो प्रेशर आ जाएगा ना बच्चे, गैस को पकड़ के बाहर निकाल देगा वो, जब गैस बाहर हो जाएगी तो प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब आगे सुनो, तो अब क्या हम इन रेस की प्रॉपर्टीज पढ़ना चालू कर दें, क्या इन रेस की प्रॉपर्टीज पढ़ना चालू कर दें। सो लेट अस स्टार्ट स्टडिंग कि कैथोड रे की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। तो पहले आप इसको बना लो, इसको लिख लो, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आपको पढ़ाता हूं फटाफट, जल्दी करो बेटा। चलो डन डन डन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस पढ़ते हैं कि क्या थी प्रॉपर्टीज कैथोड रेस की। अच्छा आपको कुछ कलर्स दे रहे हैं दिखाई कि सिर्फ व्हाइट ही कलर दे रहा है दिखाई। मैं पानी से ये बार बार इसीलिए मिटाता हूं, उसके दो कारण हैं, एक तो रूम में डस्ट नहीं रहे और दूसरा कारण है ओनली व्हाइट देता है दिखाई। ये ब्लैक बोर्ड होता तो शायद देते कलर दिखाई, ग्रीन बोर्ड पे नहीं देते। बेटा लास्ट एक मिनट में मैंने वही रिवाइज किया था जो पहले पढ़ा दिया था। एक यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर गैस भरी हुई है, गैस को लो प्रेशर क्रिएट किया गया है, एक 10,000 वोल्ट की बैटरी लगा दी है बेटा और एनोड और कैथोड से कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट किया है आप लोग बताएं, नेगेटिव टर्मिनल किस चीज से कनेक्ट हुआ है बैटरी का, शाबाश प्रांजलि, वो कैथोड से कनेक्ट हुआ है। और पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट हुआ है, ऑब्वियसली मिली ने बताया, एनोड से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। और क्या एक्सपेरिमेंट में देखा क्या गया, उन्होंने ग्रीन ग्लो देखा था बिहाइंड द कैथोड, आप लोग लिख लें अपनी कॉपी पे, अ ग्रीन ग्लो वाज विजिबल बिहाइंड द एनोड, सॉरी अ ग्रीन ग्लो वाज विजिबल बिहाइंड द एनोड। इट वाज कंक्लूडेड दैट लिख लें सभी लोग, अ ग्रीन ग्लो वाज प्रेजेंट बिहाइंड द एनोड। It was concluded that this is due to a kind of rays called as cathode rays. अब हम पढ़ते हैं ये कॉर्डलेस लिखा हुआ, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। नंबर वन,
क्या हुआ बच्चों कि कैथोड रेस के रास्ते में एक हल्का पंखा लगा दिया गया। बेटा कैथोड रे के रास्ते में जब लाइट फैन को रखा गया तो पंखा घूमने लगा बच्चों। ये तो तभी घूमेगा ना जब कोई फोर्स लगेगा, और फोर्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम और चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, तो मोमेंटम क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा एम वी होता है, और एम क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो फोर्स लगाने के लिए कोई मास तो चाहिए ना आपको, तो ये रेज में कुछ ना कुछ मास होगा, उनमें कुछ ना कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी। रेज हैव सम काइंड ऑफ मास क्योंकि पंखा घूमने लगा था। क्या सभी को बात क्लियर है बेटा? मैंने क्या कहा अभी अभी, मैंने थोड़ी सी फिजिक्स बोली, मैंने आपको थोड़ी सी फिजिक्स बोली जो आप 9th-10th में पढ़ते आए हो। आपको पता है फोर्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट इज फोर्स। और मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज एम इंटू वी, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, एम वी टू माइनस वी वन। Is it not true, beta? It is true. So change of momentum, मतलब कुछ मास तो चाहिए ना बच्चों। तो मास है, तो इसका मतलब दे रहे हैं आद्या बेटा, रुक अभी दे रहे हैं साइड, पहले समझ ले मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक मोमेंटम नहीं होगा तब तक फोर्स कैसे लगेगा, तो और मोमेंटम के लिए मास जरूरी है। सो कैथोड रेस हैज सम काइंड ऑफ मास, दे हैव सम काइंड ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी, प्लीज डू नोट दैट। एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ बिल्कुल आराम से एकदम क्लियरली। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब इस पॉइंट को मैं मिटाऊंगा, इतना समय काफी था इस पॉइंट को लिखने के लिए, ज्यादा स्लो नहीं लिखना है वरना कचरे हो जाएंगे, है ना। जिनसे लिखते नहीं बनता है वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पर बाद में कॉपी में जरूर लिखा करो। अब आप खुद डिसाइड कर लो बेटा, आपको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं, आजकल नेट पर सब मिल जाते हैं। लेकिन क्लास नोट्स यदि चाहिए तो अपन को क्लास में ही बनाने पड़ेंगे, और बेस्ट नोट्स आर क्लास नोट्स। आप पीडीएफ यहाँ वहां से जुगाड़ भी लोगे तो इतना नहीं लिखा हूं मैं जितना मैं लिख रहा हूं। चलो अब बच्चों पहली प्रॉपर्टी हो गई, अपन दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट रास्ते में रख दिया गया, ये ऑब्जेक्ट रास्ते में रख दिया गया, और उन्होंने देखा कि जब कैथोड रेज आती है, कैथोड रेज के रास्ते में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, इस ऑब्जेक्ट की शार्प शैडो दिखाई दी, इस ऑब्जेक्ट की शार्प शैडो दिखाई दी।
अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट के रास्ते कैथोड रेस के रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को रखते थे, उसकी शार्प शैडो दिखाई देती थी। ये प्रूव करता है कि कैथोड रेस ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज क्या होता बेटा, यदि वो यूं जाते तो यदि यूं चल रही होती मान लो सुंग, तो इधर फिर तो रेस पहुंच जाती, तो यहाँ शार्प शेडो आपको दिखाई नहीं देती। समझ रहे बात को? क्लियर है बेटा? सब तो दिखाई दे रहा बेटा, ये दिखाई दे रहा है सब लोगों को। व्हेन इन पाथ ऑफ कैथोड रेस दिखाई दे रहा बेटा सबको, मैंने सब चेक किया हुआ बच्चे, समझ रहे आप मेरी बात? मुझे पता है यहाँ रोशनी ज्यादा आती है लेकिन दिखाई देता है यहाँ। ठीक है। ओके, अब सुनो, सीआर मींस क्या होता है? क्या कर रहे हो यार, 10 बार लिख जाओ, सीआर मींस क्या होता है? क्या है, सो रहे हो क्या? सीआर का मतलब क्या होता है बोलो, कोई बच्चा बताओ। सीआर कैथोड रेस ऑब्वियसली, बार बार तो सीआर ही लिख रहा हूँ कैथोड रेस। चलो, तो इट प्रूव दैट कैथोड रेस ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब तीसरा पॉइंट करते हैं, ठीक है बेटा, 2 पॉइंट हो गए, अब तीसरा पॉइंट करते हैं। इधर एक प्लेट लगाई गई, इलेक्ट्रिक प्लेट, उसकी एक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, जिसकी ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी, और कैथोड रेस को क्रॉस किया गया। तुम्हें क्या लग रहा है, कैथोड रेस किस तरफ मुड़ गई होंगी, इसकी तरफ के इसकी तरफ? कैथोड रेस किसकी तरफ? अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट और समझाता हूँ, तो क्या होगा ना कि फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट समझाता हूँ। एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लिया गया, किसका स्क्रीन है? जिंक सल्फाइड स्क्रीन लिया गया, करेक्ट, और कैथोड रेस को इस पे आकर के इंपैक्ट कर लिया, तो छोटे छोटे पता है धब्बे दिखाई दिए थे, सिंटिलेशंस बोलते हैं उनको, ठीक है ना। व्हेन, मत पूछना सीआर क्या है, व्हेन कैथोड रेस वर मेड टू फॉल ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन स्मॉल स्पॉट्स वर सीन ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, दिस प्रूव्स कैथोड रेज हैव पार्टिकल लाइक नेचर। ठीक है बेटा, पार्टिकल्स ही तो होते हैं जिनके धब्बे पड़ते हैं कहीं पे, है ना, उनका एक डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है। ठीक है बेटा, फैन रखा था तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी थी बेटा, हाँ उसकी भी शेडो आ रही होगी, सही है, और वो भी शार्प शेडो रही होगी, करेक्ट है बेटा। ना ना, ग्रीनिश ग्लो बेटा, ग्लो कोई शार्प और वो थोड़ी ना होता है, कैसा सवाल पूछ रहे हो? तो यदि कहीं पे ग्लो दिखाई दे रहा है आपको, तो ग्लो शार्प और नॉन शार्प थोड़ी ना होता है, किसी चीज की लाइट जो होती है, लाइट का ग्लो होता है, इसका मतलब तुम्हें ग्लो शब्द का मतलब नहीं पता, बल्ब ग्लो करता है, अब वो तुम क्या बोलोगे, शार्प ग्लो कर रहा है कि नॉन शार्प ग्लो कर रहा है, उसको क्वेश्चन ही नहीं है बेटा, ठीक है ना, छोड़ो इस क्वेश्चन को। अच्छा, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, बस इतना पॉइंट नोट कर लो, इतना पॉइंट नोट कर लो बस, काफी है, डिले मत करो फालतू के डिस्कशन में, क्योंकि जो रेलेवेंट है वो मैंने सब कुछ बता भी दिया और लिख भी दिया है, प्लीज, है ना। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, ओके। शैडो के लिए तो शार्प लिखा है, क्योंकि शैडो शार्प होती है, इसलिए ग्लो शार्प थोड़ी ना होता है हर चीज के लिए। अब शैडो के लिए शार्प लिख दिया तो इसका मतलब क्या, दुनिया की हर चीज के लिए शार्प लिख दूंगा, एटलीस्ट क्वेश्चन तो अच्छे लेवल का पूछो भाई। चलो कोई बात नहीं,
आगे बढ़ते हैं, है ना बेटा। देखो जब आप 11th में होते हो ना, तो आपका जो डिस्कशन होता है शुरुआती रूप में, ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, शुरू के दिनों में चलता है, वो बहुत वेग टाइप का होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता एग्जाम में कैसा आता है क्या आता है। पर हम जो जवाब आपको देते हैं चीजों के, कुछ क्वेश्चन पिकअप करते हैं, वो ये देख के पिकअप करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या किस तरह से तैयारी करनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, है ना। तो यदि किसी का कोई क्वेश्चन छोटा मोटा रह जाए, तो आप ये बात समझ देना कि वो इसलिए रह गया कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्शन गलत जा रही थी, इसलिए टीचर ने उसका जवाब नहीं दिया, ठीक है ना मैडम। और ग्रुप तो अपन बना ही रहे, ग्रुप पे आप क्वेश्चन पुट कर देंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मेरी बात को आप ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, है ना। तो बेटा ग्लो दिखा मतलब विजिबल था, ग्लो दिखा मतलब विजिबल। अब इस डिस्कशन को एंड कर दो प्लीज, डिस्कशन को एंड कर दो इसको, है ना। जो पॉइंट बोर्ड पे लिखे हैं उतना याद करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो लेट्स डिस्कस अनदर पॉइंट, ठीक। चलो अब बेटा कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी, अब चार पॉइंट हो गए शायद ना, पांच पॉइंट। कैथोड रे शोज हीटिंग इफेक्ट, मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, उनमें कोई एनर्जी है, उनका मास है उनका। अब प्रिंसी अपन पीछे नहीं जा सकते हैं, जितने पॉइंट हो गए बेटा उतने पॉइंट हो गए, आगे बढ़ते। तीन पॉइंट हुए अभी तक, अच्छा तो ये चौथा पॉइंट। चलो कैथोड रे शोज हीटिंग इफेक्ट, जल्दी से प्लीज अपने कॉमन सेंस का परिचय दो, प्रूव करो कि हमारे पास कॉमन सेंस नामक एक चीज है। क्या आप इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे भाई जब किसी चीज के पास मास है, जब किसी चीज के पास मास है मेरे भाई, उसके पास वेलोसिटी है, तो क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा? तो क्या वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है जब जाके स्ट्राइक करेगा? कर सकता है ना। तो दे शोड हीटिंग इफेक्ट, ठीक। पांच, कैथोड रेज ऑल्सो अफेक्टेड फोटो, क्या बोलते हैं उसको, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट्स। अब फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट्स क्या होती हैं, मैं ही आपको बता देता हूं। जैसे कि पोटेशियम, सुना है कभी तुम लोगों ने? पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, सुना है कभी? सुना तो होगा। इस पे दी लाइट मारो बेटा, इस पे दी लाइट मारो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। तुमने 9th-10th में ये बात पढ़ी होगी कि ये एल्कली मेटल है सारे के सारे, इनके साइज बड़े होते हैं, अच्छे मेटल होते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है बेटा। इधर आकर के ये लाइट इधर पड़ रही हो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इसको रिफ्लेक्शन नहीं बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में, ठीक है। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे ज्यादा डिटेल अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए समझना पड़ेगा इधर क्या हुआ होगा। प्लीज ध्यान से सुनो सभी लोग, जितने बच्चे भी सुन रहे हैं सभी लोग ध्यान से सुनो, इधर हुआ क्या होगा। एक्चुअली इधर एक एटम रहा होगा पोटेशियम का, इधर इलेक्ट्रॉन रहा होगा, ये न्यूक्लियस है, 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 19 के 19 नहीं बना रहा हूं, एक आउटर मोस्ट बना रहा हूं। लाइट आई इसको पड़ी और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, लाइट आई इसको पड़ी और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, उसने इसको एनर्जी ट्रांसफर करी, इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स था उससे ज्यादा एनर्जी दे दी, भाग गया, जितना फोर्स से ये अट्रैक्शन था उससे ज्यादा फोर्स इधर लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। इसको बोलते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चमका सबको? आना बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलो, क्या चमका सब लोग को? बात समझ में आई सबको? अब कैथोड रेज जो थी उनके पास एनर्जी थी बेटा, कैथोड रेज के पास एनर्जी थी, तो जब वो फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट को स्ट्राइक करती थी तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराता था। सो कैथोड रे ऑल्सो अफेक्टेड फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट बाई डूइंग इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय डूइंग इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है बेटा, करेक्ट है बच्चों, सब लोग को ये बात क्लियर है? बाय डूइंग इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है बेटा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोग? अब सोचो आप
कि क्लियर है ना इतनी बात सब लोग को बेटा, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट वो दिखाता था, इट ऑल्सो अफेक्टेड फोटो इलेक्ट्रिक बेड बाई डूइंग इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चमका चमका। चलो एक और पॉइंट ले लेते, छठवां पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहता है बेटा, इसको मिटा देता हूँ, ये तो समझाने के लिए बनाया था बस। एक और पॉइंट ले लेते हैं ना, फोटो सॉरी कैथोड रेज क्रॉसेस थ्रू थिन शीट्स थिन मेटेलिक शीट्स। ऐसा कैसे हुआ वहां सोचो, कैथोड रेज जिससे बनी थी वो इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी बता रहा हूं थोड़ी देर में इस बात को कंक्लूड करेंगे। और इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटू होता है, यदि आप एटम का अरेंजमेंट देखोगे किसी मेटल में तो वो कुछ ऐसा होता है, तो बीच में खूब सारा गैप खाली है कि नहीं है, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, क्या बीच में बहुत सारा गैप खाली है बेटा, तो क्या इन गैप्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन पास हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना, बस यही हुआ था। सो कैथोड रे क्रॉसेस थ्रू थिन मेटेलिक शीट्स, करेक्ट है बेटा इतनी बात, करेक्ट है बच्चों। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको आगे का पॉइंट पढ़ाता हूं, ठीक है ना। ओके बेटा, छह पॉइंट हो गए है ना, एक दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं, मिटा दो बच्चों, ठीक है। आज की पीडीएफ कौन देने वाला है मेरे को, एक बच्चे ने कहा था वो कोशिश करेगा, ओके परागी, तीन चार बच्चों ने बोला है ना, बना दो बेटा। तो मैं क्या करूंगा, जिसकी हैंडराइटिंग सबसे सुंदर लगेगी उसकी पीडीएफ मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, है ना बेटा, ठीक है ना बच्चे। अब यदि मान लो इसमें किसी की पीडीएफ पोस्ट ना हो तो बुरा मत मानना बेटा, है ना, अपन तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिससे कि अपन को सबसे सुंदर नोट्स दिख जाए, है ना, सुंदर ही नहीं बल्कि जिसने सबसे अच्छे से डिटेल में लिखा है। पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरी स्टोरी लिख देते हैं वहां पे साइड में, समझ गए बात को, जिसकी हैंडराइटिंग रीडेबल हो और जिसने पूरी स्टोरी अच्छे से लिखी हो उसकी पीडीएफ मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना। चलो बेटा अब अपन बात करते हैं, और एक बात की गई, कितने पॉइंट हो गए थे, छह हो गए थे शायद ना, सातवां पॉइंट। अब सोचो कैथोड रेस को जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया, व्हेन कैथोड रे वर पास्ड थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड they got deviated towards the side which was expected for a negative charge. मैं अपनी बात को समझा देता हूँ, हालांकि पूरा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि बहुत डिटेल फिजिक्स आएगी। जैसे मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है और कैथोड रेज को क्रॉस किया गया, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो गई कुछ इस तरीके से, यूजिंग सल्फाइड स्क्रीन लगा दी मान लो। यदि मान लो ये रेज न्यूट्रल होती तो ठीक बीच में यूं जाता, ऐसा जाता, यूं जाता, लेकिन चूंकि ये न्यूट्रल नहीं था, इस पे नेगेटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो गया, तो ये इधर गया, तो सेंटिलेशन या फिर धब्बे कहां पड़े, इधर पड़े, क्या चमका,
यदि मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या ये नीचे की ओर आता? बिल्कुल नीचे की ओर आता, पर वो तो कहाँ गया, वो तो ऊपर की ओर चला गया। इसका मतलब दे हैव नेगेटिव चार्ज। इसलिए शुरुआती रूप में इनको नेगेट्रॉन बोला था स्टोनी ने, ठीक है बेटा। सो इट वॉज सेड, सो इट वॉज कंक्लूडेड दैट कैथोड रे वर मेड फ्रॉम made from particles which were negatively charged, Stoney gave term negatron these particles. ठीक है बेटा, आई सपोज दैट ये बात सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं है, ठीक है बेटा। स्टोनी ने, कुछ लोग थॉमसन भी लिख देते हैं, खैर हमारे पास मॉड्यूल में स्टोनी ही लिखा हुआ है इसलिए हम स्टोनी ही बोलेंगे, ठीक है बेटा। चलो तो यहां तक आप सबने ये बात लिख ली है, प्लीज इसको आप नोट कर लें जल्दी से और फिर मैं आगे बताता हूं आपको। ये सेवंथ पॉइंट हो गया। अब लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। डन। आई होप सो, जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया है सब बच्चों को पूरा क्लियरली समझ में आया है ना? और मैं आपके लिए इस वीडियो को YouTube पे अपलोड भी कर दूंगा आज ही, तो उसमें क्या होता है आपका शायद थोड़ा सा डाटा बच जाता है। अभी आपके पास जो वीडियो आता है YouTube पे आता है कि नहीं आता मुझे पता नहीं, YouTube पे आ रहा है क्या बेटा? नहीं आ रहा ना, हाँ मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, आपका डाटा बहुत बच जाएगा उससे। चलो बेटा, और वो आपके लिए फिर काफी दिन तक रहेगा है ना, वो चैनल में आपको बता दूंगा, ग्रुप पे ही बता दूंगा है ना, ठीक है बेटा। चलो अब बच्चों आगे पढ़ते हैं तो आपका आगे की बातें अपन सीखते हैं, ठीक है ना। और मैंने चैप्टर मूल कंसेप्ट जो है वो इससे पहले जिस बैच को पढ़ाया था उनको बहुत शॉर्ट में मतलब रिवीजन कराया है अभी जो इस साल एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो सिर्फ 6 लेक्चर में मैंने पूरा मूल कंसेप्ट एग्जाम रिलेटेड पढ़ा दिया है। यदि किसी बच्चे का छूट गया है तो वो YouTube से जो है उन 6 लेक्चर्स के थ्रू मूल कंसेप्ट को कवर कर सकता है। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा वो, और आप लोग चाहें तो जो है उससे कवर कर सकते हो, है ना, और आपको उससे मदद हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। वैसे तो मनीष सर ने आपको बहुत अच्छा पढ़ा दिया होगा, लेकिन यदि किसी का छूट गया है, कंसेप्ट नहीं उस समय सीख पाया किसी भी कारण से, क्योंकि आजकल इतने लोग बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो यदि किसी का छूट गया है किसी भी कारण से तो वो वहां से रिवीजन कर सकता है बेटा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं बेटा। लास्ट पॉइंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 8वां वो था कि E/M मतलब चार्ज on particle of cathode ray upon mass of
पार्टिकल ऑफ कैथोड रे। इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। तो E by M रेशो वॉज फाउंड टू बी सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ काइंड ऑफ गैस फिल्ड इनसाइड यूट्यूब। इनसाइड यूट्यूब नहीं, यूट्यूब नहीं, सॉरी, इनसाइड कैसा ट्यूब था वो, यूट्यूब तो उसको नहीं बोलना चाहिए, कैसा ट्यूब बोलना चाहिए उसको, ऐसा ट्यूब है, उसका क्या शेप हुआ, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब, करेक्ट है बेटा, इनसाइड सिलेंड्रिकल ट्यूब, करेक्ट, सही है बेटा, अ काइंड ऑफ गैस फिल्ड इनसाइड सिलेंड्रिकल ट्यूब और काइंड ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर कैथोड और एनोड। बेटा अपने कॉमन सेंस का परिचय देते हैं, कैथोड रे और एनोड रे आज हम जानते हैं किससे मिलके बनी थी, कैथोड रे, सॉरी नॉट एनोड रे, कैथोड रेस किससे बनी थी, क्या पार्टिकल थे कैथोड रेस के, शाबाश, मनुष्य ने बताया इलेक्ट्रॉन्स, देवांश ने बताया कैटाइन, देवांश आप गलती कर गए बेटा, हम बात कर रहे हैं कैथोड रेज की, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आज हमको ये बात पता है। अच्छा एक बात आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन खत्म हुआ, अगला क्वेश्चन, क्या इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम के अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम के अलग अलग प्रकार के होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, सोर्स कोई भी क्यों ना हो इलेक्ट्रॉन एक ही प्रकार का होता है, उसका चार्ज सदैव 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स होता है और मास सदा 9.1 × 10⁻³¹ केजीज होता है, तो चार्ज इज ऑलवेज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स एंड मास इज ऑलवेज 9.1 × 10⁻³ माइनस 31 केजीज, इट इज फिक्स्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, इट इज फिक्स्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। लेटर इट वॉज कंक्लूडेड द पार्टिकल मेकिंग द कैथोड रेज इज इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें नेगेट्रॉन शुरू में बोला गया था, जिन्हें शुरू में नेगेट्रॉन बोला गया था, बाद में उनका नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। तो चूंकि कैथोड रेज बन रही थी इलेक्ट्रॉन से और दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉन हो वो एक ही प्रकार का होता है, उसका चार्ज सदा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, बेटा सब विजिबल है, लो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, मुझे भी तो दिखाई देता है सामने, और मास 9.1 × 10⁻³¹ केजीज होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग, ठीक है बेटा, कोई टाइप की भी ट्यूब यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो एक ही आएगा मेरे भाई, बोलो हाउ, बोलो बात क्लियर है सब लोग को, बात क्लियर है, सो दैट वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ कैथोड रेस, कैथोड रेस सबको क्लियर हो गया, ऑटोमेटिकली एनोड रेज भी अब क्लियर हो ही जाएगा, इसको नोट करो, हो गया बच्चों, धड़ाधड़ चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे,
चलो बच्चों, धड़न धड़न धड़न, ठीक है। अब बेटा क्या होता था कि दो एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में किए गए। आप लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हो ना सब लोग? बेटा सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हो ना? हाँ, दो एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में किए गए। और क्या एक्सपेरिमेंट थे? एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि E बाई एम रेशो निकाला गया, है ना। तो ट्वेल्थ क्लास में आएगा बेटा ये फिजिक्स पूरा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनकी मदद से, इनके फॉर्मूलों की मदद से E बाई एम रेशो कैलकुलेट किया गया, ठीक है बेटा, बाय डूइंग टू एक्सपेरिमेंट्स इन फिजिक्स, ठीक है बेटा। दो एक्सपेरिमेंट किए गए, एक जे जे थॉमसन ने किया। कैसे किया उसके फॉर्मूलों में मैं नहीं जा रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अभी पढ़े नहीं है, तो उनके फॉर्मूलों को समझाऊंगा, उसकी डायरेक्शन को समझाऊंगा, तो अपन भटक जाएंगे, अपन चैप्टर से अलग हो जाएंगे, है ना। तो अभी अपन को सिर्फ ये बात मान लेनी है कि ऐसा फिजिक्स में आएगा। मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूंगा, और आपको भी भरोसा होगा इस बात पे कि आगे चल के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ोगे। क्या आपको इस बात पे भरोसा है? क्या भरोसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट पढ़ने वाले हो, और फिर मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हो, उनमें ये सब चीजें आ ही जाएंगी, है ना बेटा। तो जे जे थॉमसन कैलकुलेटेड E बाई एम रेशो। और मॉडर्न फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट आएगा, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी 11th क्लास इसी चैप्टर में इसको हल्का सा मेंशन किया है, ऑल्दो आएगा फिजिक्स में ये। बाय दिस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वॉज कैलकुलेटेड। अब खुद सोच बेटा, जे जे थॉमसन ने E बाई एम रेशो कैलकुलेट कर दिया, जिसकी वैल्यू आई 1.75, जिसकी वैल्यू उसने कैलकुलेट करी 1.7588 इंटू 10 की पावर माइनस 25 और माइनस इट वाज सॉरी 11 नॉट माइनस प्लस, ये आया E by M ratio, of course, मतलब क्योंकि चार्ज 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 है, मास 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 है, इतना आ जाना चाहिए लगभग। And by charge of electron was calculated, it was found to be 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स, ठीक। सोचो, if we divide above values, we can get mass of electron. We can get mass of electron E by M divided by E. Sorry, E divided by E by M, which is equals to M. E ने मारा E को, बोलो हाउ, बोलो हाउ, यदि इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा? बोलो हाउ, आ जाएगा बेटा। इस एक्सपेरिमेंट से E बाई एम निकला, जब E बाई एम निकला तो E और M अलग अलग नहीं निकला था, नहीं तो कोई बच्चा पूछ ले सर जब उसको E भी पता था M भी पता था तो अलग से करने की क्या जरूरत थी, सिर्फ E बाई एम निकला था फॉर्मूले लगा करके, ठीक है ना। सो E बाई एम आया था, E और M अलग अलग नहीं आया, E by M कितना होता है वो आ गया था, और मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से E की वैल्यू आ गई। तो क्या मैं E को E by M से डिवाइड कर दूं तो मेरे को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग जाएगा? जल्दी से बोलो हाउ, एग्री करो इस बात को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग जाएगा। अब बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गया, अब ये कंक्लूड किया गया, उन्होंने कहा भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच 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 स्मॉलर देन द मास ऑफ द एटम। Mass of electron is much 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 smaller than the mass of the atom. That means fundamental particle is not atom. It is something different. Atom fundamental particle नहीं है, और John Dalton की theory के कचरे हो गए।
बोलो हाउ, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। एक बात और कही गई कि एटम तो जो होता है, एटम तो जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम तो जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और एटम के अंदर तो नेगेटिव चार्ज मिला, मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। बोले ढूंढो, बोले ढूंढो। समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। अब यदि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज यदि दौड़ रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, तो इसका मतलब भैया एक रेस एनोड से कैथोड की तरफ भी दौड़ रही होगी। बोले ढूंढो। तुम लोगों को समझ में आ रही है साइंस? आ रही है ना समझ? उन्होंने बोला इसका मतलब एक रे एनोड से कैथोड की तरफ भी भाग रही होगी भाई। बोले ढूंढो। उन्होंने कहा आओ ढूंढे, तो क्या ढूंढे, कोशिश करें, तो कोशिश करते हैं। पहले आप इसको उतार लो, हमें टाइम देख लो जरा, टाइम हो गया है वैसे तो, हम आज इधर ही एंड करेंगे। आप इसको उतार लें पहले और हम इसको एंड करेंगे फिर एनोड रेस टॉपिक डाल के। बस आप पहले उतार लें इसको फटाफट, क्योंकि सिर्फ 2 ही मिनट बचे हुए हैं, तो 2 मिनट में कुछ नया नहीं कर पाएंगे। आई होप सो आज का लिटरेचर सबको समझ में आया होगा बेटा, और मेरी तबीयत ने आपका समझने को अफेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है ना बेटा। चलो आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना ध्यान बिल्कुल रखें, और परिवार वालों का भी ध्यान रखें बेटा, ठीक है। और खूब सारी पढ़ाई भी करते रहें। आज मैं ग्रुप ज्वाइन कर लूंगा, जिस बच्चे ने मुझे मैसेज किया था दोबारा मैसेज कर देना, और फिर बच्चों को ऐड करना चालू कर देंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू बेटा, बाय बच्चों।